नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गुरुद्वारा दुख निवारण खिड़की अली बेग में प्रकाश उत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सुबह से ही भजन कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 352वां प्रकाश वर्ष मनाया गया, उसी वजह से आज सुबह से यहां भजन कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया था, जिसमें रामचंद्र यादव विधायक, गोरखनाथ विधायक, जिलाधिकारी, DFO, जिला पंचायत अकबरपुर सहित अन्य गणमान्य लोग भी आए हुए थे, जिन्होंने यहां पर प्रसाद ग्रहण किया और गुरु महाराज का आशीर्वाद भी लिया। आज लगभग 1.5 से 2 हजार लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। इस अवसर पर प्रेम और सद्भावना का संदेश देता ये लंगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रकाश वर्ष मना रहे लोगों ने कहा कि हम लोग अपना कीर्तन कर रहे थे, जिसमें मुस्लिम लोगों ने हमारा स्वागत किया और हम लोगों ने भी उनका सम्मान किया। 31 दिसंबर को जो नगर में कीर्तन निकला था, उसमें मुस्लिम लोगों ने कसाब बाड़ा और रिकाबगंज में कैंप लगाकर हम लोगों का हार्दिक स्वागत किया था, फूल माला भी पहनाया था, तो आज हम लोगों ने उनको यहाँ पर बुला करके सम्मानित किया है। प्रकाश 352 प्रकाश पर मनाया गया, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आज जो है सवेरे से ही भजन कीर्तन लंगर का आयोजन था, जिसमें रामचंद्र यादव जी विधायक, बाबा गोरखनाथ विधायक, इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय और श्री रवि सिंह जी DFO साहब और मिंटू सिंह जिला पंचायत अकबरपुर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति आए थे, जिन्होंने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज जो है सवेरे से यही कार्यक्रम चल रहा है, गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व, भजन कीर्तन, उसके बाद लंगर का आयोजन हुआ है। लगभग 1.5 से 2 हजार आदमी आज प्रसाद ग्रहण किए हैं। बस प्रेम और सद्भाव का संदेश है, सब लोग मिलजुल के रहे। यहाँ मुसलमान भी काफी आए थे, हिंदू भाई भी सब साथ में थे, सिख भी थे, हर धर्म के लोग मौजूद थे, क्रिश्चियन भी रहे, तो सब धर्म के लोग आए थे। हम लोगों का जो नगर कीर्तन चला था, उसमें मोमडन्स लोगों ने हम लोगों का हार्दिक स्वागत भी किया था, उनका भी हम लोगों ने सम्मान किया है। जो 31 तारीख को नगर कीर्तन निकला था, उसमें मोमडन्स वगैरह ने कसाब बाड़ा रिकाबगंज में कैंप लगा करके हम लोगों का हार्दिक स्वागत किया था, फूल माला पहनाई थी, आज हम लोगों ने उनको यहाँ बुला करके सम्मानित किया। क्या नाम है? मेरा नाम प्रतपाल सिंह पाली। क्या कार्यक्रम किस तरीके के प्रोग्राम में चल रहा है? हम खुद ही बोले, पूरा सरबंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिन्होंने अपने पिता, अपने दोनों बच्चों को उसमें शहीद कराया, अपने दो बच्चे जो है उन्होंने दीवार में चुनवाए, ऐसे सरबंस दानी का आज प्रकाशोत्सव है, जिनके जन्म के लिए हम जो है यहाँ गुरुद्वारा दुख निवारण में ये जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम सभी संसार के जितने भी नाम लेवा भक्त हैं या जो भी गुरु गोविंद सिंह जी को मानने वाले हैं, मैं सभी को लाख लाख बधाई देता हूँ। अच्छा, इन दिनों क्या क्या कार्यक्रम आपके यहाँ होते हैं? कार्यक्रम ऐसा था कि ये 15 दिन तो प्रभात फेरियाँ चली है, और प्रभात फेरियाँ चलने के बाद 31 तारीख को नगर कीर्तन वो हुआ है, और उसके बाद बाहर से आए हुए जत्था भाई मोकम सिंह जी पौटा साहब से वो आए हैं, उन्होंने दोनों टाइम आज तक कीर्तन किया है और संतों को जो है उसी में कीर्तन करके निहाल किया है। अच्छा, जो लंगर का जो कार्यक्रम चल रहा है, लंगर तो हमारे यहाँ ये गुरु प्रथा है, लंगर तो हमारे आज इस गुरुद्वारे में एक गाड़ी भी बनी हुई है, जिसमें जो है हर मंगल हर शनिचर देहातों में जाके या गरीबों के स्टेशन पर कहीं जाके या कहीं आग लगी है, कहीं बाढ़ आई है, वो जाके बांटती है। उसके अलावा लंगर आज जो है, तो ये लंगर तो लगातार जब से ये प्रोग्राम चल रहे हैं लगातार लंगर चल रहा है। राजेंद्र सिंह छावड़ा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।